हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टोरंट पावर लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इसके फंडामेंटल्स देखेंगे, इसके टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, इसके फोरकास्ट देखेंगे, फाइनेंशियल देखेंगे, बैलेंस शीट, इसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है वो देखेंगे, होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, न्यूज़ और इवेंट भी देखेंगे। दोस्तों, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे क्या हमें इस प्राइस पर इसके अंदर एंट्री करनी चाहिए या नहीं, क्या ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में हमें प्रॉफिट बना के दे सकती है या नहीं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली मेरे चैनल पे डालता रहता हूँ। दोस्तों, किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले दोस्तों हमें उस कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, कंपनी के हिस्ट्री के बारे में और उसके फंडामेंटल्स के बारे में और उसके रेवेन्यू मॉडल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं टोरंट पावर कंपनी के बारे में। दोस्तों, ये जो टोरंट पावर जो कंपनी है, ये 1996 के अंदर फाउंड की गई थी अहमदाबाद इंडिया के अंदर, अहमदाबाद गुजरात के अंदर ये फाउंड की गई थी। दोस्तों, ये जो कंपनी है, ये लेट उत्तम भाई नाथालाल मेहता, उन्होंने, उनकी जो फैमिली है, उन्होंने एक्चुअली ये कंपनी जो है इसकी शुरुआत की थी टोरंट ग्रुप के अंदर। दोस्तों, ये जो टोरंट पावर कंपनी, ये टोरंट ग्रुप के अंदर एक्चुअली ये कंपनी है। फॉर्मली उसका नाम टोरंट ग्रुप ही था, जो उत्तम भाई नाथालाल मेहता, उन्होंने एक्चुअली ये कंपनी फाइंड की थी। दोस्तों, ये जो कंपनी है, अभी उनके जो दो बेटे हैं सुधीर और समीर मेहता, उन्होंने, वो लोग ये कंपनी अभी चला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अब बात कर लेते हैं ये जो कंपनी है बेसिकली क्या काम करती है। दोस्तों, ये कंपनी जो है उसका मेन हेडक्वार्टर अहमदाबाद के अंदर है, गुजरात के अंदर है। ये कंपनी का मेन काम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये गुजरात के अंदर सारे, मतलब गुजरात स्टेट के अंदर, महाराष्ट्र स्टेट और उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर काम करती है। बेसिकली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो उनके जो मेन सिटीज़ है, उस मेन सिटीज़ जो है वो है मुंबई, कालवा, गांधीनगर, कानपुर, सूरत, आगरा, अहमदाबाद और भिवंडी। इस सिटीज़ के अंदर बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। दोस्तों, ये जो कंपनी है बेसिकली उन्होंने क्या किया था कि 1997 के अंदर अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है जो गवर्नमेंट की, उसका पूरा स्टेक गवर्नमेंट से खरीद लिया 29% का, और फिर उन्होंने ये जो टोरंट पावर लिमिटेड कंपनी है वो एक्चुअली बनाए। उसके अलावा दोस्तों, उन्होंने और एक कंपनी एक्वायर कर ली जिसका नाम था सूरत इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, और ये दोनों कंपनियां मिला के एक्चुअली इन्होंने ये कंपनी बनाई टोरंट पावर लिमिटेड। दोस्तों, कंपनी का ऑपरेशन जो है मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो कंपनी है ये मेजर सिटीज़ के अंदर, मेजर जो डेवलप सिटी है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। अभी मेजरली एक्चुअली ये लोग ये लोग जो है एक्सपैंड कर रहे हैं दूसरे एरियाज़ के अंदर, वो अभी यूपी और कानपुर, आगरा जो है उस एरियाज़ में भी एक्चुअली पावर सप्लाई करने का कुछ काम करने वाले हैं, कुछ उन्होंने शुरुआत की है। मतलब यूपी के अंदर अभी वो बढ़ने वाले हैं, ऐसी बात चल रही है। यूपी आपको जैसे ही पता है बहुत बड़ा स्टेट है इंडिया का, तो उसके अंदर अब भी वो एंट्री करने वाले हैं। दोस्तों, तो पावर ट्रांसमिशन एज वेल एज जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर वो काम करती है। एज ऑफ नाउ दोस्तों, उनके पास 400 किलोवाट सिस्टम जनरेट करने का करने के लिए प्लांट है, थर्मल प्लांट के थ्रू एक्चुअली वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों, तो ये काफ़ी बढ़िया बिजनेस के अंदर है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अभी जो है, अभी टोरंट पावर की पूरी जो कैपेसिटी है वो 3500 मेगावाट से भी ज़्यादा की है। दोस्तों, एज ऑफ नाउ एनर्जी प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, और अभी इलेक्ट्रिसिटी और पावर की जो डिमांड है अभी तक पीक पे नहीं गई है, और उसके अंदर बहुत स्कोप है कि ये डिमांड जो है ईयर ऑन ईयर एक्चुअली बढ़ती ही जाएगी और बढ़ती ही रह रही है। और इन जैसी का जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और पावर प्रोडक्शन के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के अंदर जो कंपनीज है उनका जो प्रॉफिट है डे बाय डे बढ़ता ही जाएगा। मतलब ये बिजनेस ऐसा है दोस्तों, ये कभी बंद नहीं होगा और ये चलता ही जाएगा और ये प्रॉफिट करती ही जाएगी। तो काफ़ी बढ़िया एक्चुअली इनका बिजनेस है ये टोरंट पावर कंपनी का।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ मेजर की पॉइंट्स के बारे में। दोस्तों इसका पी रेशो 13 का है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। सेक्टर का पी 12 का है। दोस्तों जब भी पावर से रिलेटेड एक्चुअली नेशनल न्यूज चैनल पे न्यूज चलती है तो ऐसे शेयरों के अंदर भूचाल आ जाता है दोस्तों, भूचाल आ जाता है और इसके अंदर अपर सर्किट से अपर सर्किट लगते रहते हैं और उसके बाद ये गोते खाती है दोस्तों। ये एक्चुअली देखा गया है डिविडेंड ये काफ़ी बढ़िया देती है, 3.58% का, 3.5% से भी ज़्यादा का ये एक्चुअली डिविडेंड दे रही है। प्रॉफिट टू प्राइस टू बुक रेशियो को बात करें तो 1.69 है, मतलब बहुत बढ़िया प्राइस पे अभी ये एक्चुअली शेयर मिल रहा है। यहाँ पे कुछ मेजर पॉइंट की बात करें और तो करंट प्राइस इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू से कम में अभी ये ट्रेड कर रही है। स्टॉक हैज़ बीन जनरेटेड बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक FD, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। डिविडेंड काफ़ी अच्छी देती है और टिकर टिप पे ये बताया गया है कि गुड टाइम टू कंसिडर एज स्टॉक इज नॉट ओवरबोर्ड जोन, ये भी बढ़िया पॉइंट है दोस्तों। कंपनी एक मिड कैप कंपनी है, 15,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले कुछ सालों के अंदर, मतलब 4 से 5 सालों के अंदर ये लार्ज कैप कंपनी हो जाएगी दोस्तों। वॉलेटिलिटी बहुत ही कम रहती, ये एकदम सही अच्छा पॉइंट लगता है मुझे दोस्तों। जिन शेयरों के अंदर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है वो रिटेल निवेशक के लिए बहुत ही रिस्की शेयर होते हैं दोस्तों। ये इसके अंदर वॉलेटिलिटी कम है, ऐसे शेयर मुझे बहुत पसंद आते हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं ये चार्ट पे कैसा कर रहा है। दोस्तों आज ये जो है निगेटिव में रिटर्न दिखा रहा है, एक दिन के अंदर 2.35% की गिरावट दिखा रहा है दोस्तों। मार्केट बहुत ज़बरदस्त गिरावट हो रही है पिछले 2-3 दिनों से, इसी के कारण इसके अंदर भी गिरावट और पेन दिख रहा है दोस्तों। एक वीक की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 0.57% का निगेटिव रिटर्न आता हुआ दिख रहा है। अब देख लेते हैं दोस्तों एक महीने में इसने कैसा रिटर्न दिया है। एक महीने में 1.80% का निगेटिव रिटर्न इसने बना के दिया है। अब देख लेते हैं एक साल में इसने कैसा परफॉर्म किया है। दोस्तों एक साल में बहुत ही बेहड़ा बढ़िया प्रदर्शन इसने दिखाया है, 16.46% का। दोस्तों एक साल के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है। 5 सालों की बात करें यहाँ पे तो 5 सालों का रिटर्न अगर देखें तो 2 गुना पैसा बना के इसने इन्वेस्टर का दिया है और कांस्टेंट ग्रो कर रहा है, ये बहुत बढ़िया बात है। मतलब ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऊपर नहीं जा रहा है, ज़बरदस्त तरीके से नीचे नहीं आ रहा है, ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, ऐसे शेयर मुझे बहुत पसंद है। अब देख लेते हैं मैक्सिमम 20 सालों का चार्ट, 20 सालों का चार्ट नहीं है दोस्तों, यहाँ पर लगभग 14 सालों का चार्ट है। 14 सालों में अगर दोस्तों यहाँ पर देखें तो 14 सालों में भी अच्छा रिटर्न बना के दिया, लगभग 356% का रिटर्न इसने इन्वेस्टर को बना के दिया है जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मतलब 14 सालों के अंदर अच्छा रिटर्न है दोस्तों। दोस्तों आप देख लेते हैं किसी ने अगर इसके अंदर सिप की होती 5 सालों तक तो उसको कितना रिटर्न मिलता। दोस्तों किसी ने अगर 5 सालों तक इसके अंदर सिप की होती तो 35% का रिटर्न मिलता जो कि काफ़ी बढ़िया है। अब देख लेते हैं फोरकास्ट, 1 सालों का क्या फोरकास्ट है। 7 एनालिस्ट ने इसको एनालाइज किया है जो कि कम है दोस्तों और 71% एनालिस्ट इसको बाय की रेटिंग दे रहे हैं। देखते हैं आप इसके अपर साइड और डिगेट डाउन साइड क्या है। दोस्तों यहाँ पे हायर साइड 24% की है और जो लोअर साइड है 321 रुपये से, मतलब निगेटिव में 1% का दिख रहा है दोस्तों जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे। दोस्तों ऐसे शेयर मुझे पसंद आते हैं कि जिसमें हायर साइड ज़्यादा हो और लोअर साइड कम हो दोस्तों, क्योंकि वॉलेटिलिटी कम है इसकी वजह से काफ़ी बढ़िया शेयर इस प्राइस पे मुझे लग रहा है। और मीडियम भी रहा तो यहाँ से 14% की अपसाइड है इसके अंदर। अब देख लेते हैं फाइनेंशियल बैलेंस शीट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे 2 नेगेटिव पॉइंट दिख रहे हैं, लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ। इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू एवरेज है वो 6.31% का है मगर इसने 5% का रेवेन्यू ग्रोथ ईयरली दिखाया है रेवेन्यू के अंदर और हाइयर देन इंडस्ट्री नेट इनकम। और अगर प्रॉफिट की रेशियो की बात करें दोस्तों, प्रॉफिट ये अच्छा कर रहा है। नेट इनकम देखेंगे दोस्तों तो नेट इनकम बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ रहा है और ईयरली रेवेन्यू ग्रोथ भी बढ़िया है मगर नेट इनकम जो है वो काफ़ी, मतलब यहाँ पे इस कंपनी का एक बहुत बढ़िया पॉइंट मुझे लग रहा है कि नेट इनकम वो बहुत 26% से इंक्रीज़ करती जा रही है। पावर सेक्टर के अंदर ऐसा इतना 5 सालों के अंदर ईयरली रेट 26% का नेट इनकम ग्रोथ, ये बहुत ही फायदेमंद बात है दोस्तों। अब देख लेते हैं फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास कितना है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन, मतलब दोस्तों 2,228 करोड़ रुपए फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास है दोस्तों, ये काफ़ी बेहतरीन बात है। दोस्तों ये फ्री कैश फ्लो ही हम कंपनी को एक्चुअली बचाता है जब बुरा वक्त आता है, तो बुरा वक्त
मतलब ऐसे कोविड पैंटेमिक के अंदर जो एम्प्लॉयज़ के सैलरी और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के लिए ऐसा ही फ्री कैश फ्लो कंपनी को हेल्पफुल होता है दोस्तों, और उससे कंपनी उभर सकती है। दोस्तों फ्री कैश फ्लो तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि ये मिड कैप कंपनी है, 15,000 करोड़ का तो मार्केट कैप है, मगर कम से कम 2,200 करोड़ का इसके पास फ्री कैश फ्लो है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों। अब देख लेते हैं इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन है दोस्तों। दोस्तों अगर इसके कॉम्पिटिटर देखेंगे तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ये गवर्नमेंट की कंपनी है, टाटा पावर कंपनी, ये भी बेहतरीन कंपनी है दोस्तों, और इंडिया ग्रिड ट्रस्ट, ये भी गवर्नमेंट की कंपनी है दोस्तों। दोस्तों इन सब में मुझे जो बहुत ही बेहतरीन कंपनी लग रही है, इन सब में प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो टोरंट पावर जो है मुझे अच्छी लग रही है। इसके अलावा ये सारी कंपनियां बेहतरीन है, मतलब तीनों, टाटा पावर कंपनी एज वेल एज पीएफ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, क्योंकि ये गवर्नमेंट की कंपनी है तो अच्छी कंपनी है दोस्तों, सेफ कंपनी है। टाटा पावर भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि टाटा ब्रांड की कंपनी है दोस्तों। अब देख लेते हैं इसका होल्डिंग पैटर्न कैसा है। दोस्तों होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव मुझे लग रहा है दोस्तों, ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों तो प्रमोटर के पास 53% की होल्डिंग है, 53% की होल्डिंग है, और उसमें से दोस्तों 26% की होल्डिंग जो है वो प्रमोटर ने गिरवी रखी हुई है। ये मुझे ख़राब लगता है दोस्तों, प्रमोटर ने 26% की होल्डिंग गिरवी रखे, पैसे लिए हुए हैं, जो मुझे ख़राब लग रहा है दोस्तों। म्यूचुअल फंड के पास 15% की होल्डिंग है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट के पास 18% की होल्डिंग है, FII के पास 8% की होल्डिंग है, अदर पार्टीज़ मतलब आप और मेरे जैसे रिटेल निवेशक, उनके पास 19% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने इसके अंदर होल्डिंग बढ़ाई है कुछ दिनों के अंदर। अब देख लेते हैं FII का डेटा। दोस्तों FII ने इसके अंदर होल्डिंग बढ़ाई है, इसी के कारण से इसका रेट रिसेंटली बढ़ा होगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे सबसे नेगेटिव पॉइंट यही है कि 26% की होल्डिंग, मतलब प्रमोटर ने उसकी आधे से भी ज़्यादा होल्डिंग जो है, लगभग आधी होल्डिंग जो है वो गिरवी रखी हुई है, प्लीज प्रमोटर होल्डिंग, ये सबसे नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी का मुझे लगा है दोस्तों। अब देख लेते हैं इसके अंदर मेजर कुछ न्यूज़ आ रही है कि नहीं दोस्तों। स्टॉक मार्केट अपडेट दोस्तों, यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने इसका टारगेट दिया है 1 सालों का 392 अपसाइड दी है दोस्तों। टोरंट पार्मा परफॉर्मेंस सॉलिड है, ठीक है दोस्तों, ये अच्छी बातें हैं या अच्छे न्यूज़ चल रहे हैं इस कंपनी के अंदर। दोस्तों आप देख लेते हैं इवेंट्स, डिविडेंड कब दिया था इस कंपनी ने, कब आने वाला है क्या कुछ डिविडेंड। दोस्तों फेब्रुवरी के अंदर इसने डिविडेंड दिया हुआ है, अब इसका डिविडेंड नहीं आने वाला क्योंकि इंटरिम डिविडेंड है आ चुका है, 1 साल में एक ही बार दे रही है, ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड तो दिख रहा है दोस्तों। तो 11 रुपये का डिविडेंड दिया था, जो कि काफ़ी अच्छा डिविडेंड है। अब देख लेते हैं कोई कॉर्पोरेट एक्शन आ रही है क्या, बायबैक या कुछ नहीं है, कुछ भी कॉर्पोरेट एक्शन नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इसके अंदर दोस्तों एक ही निगेटिव पॉइंट लगा है कि प्रोमोटर ने उसकी आधी होल्डिंग जो है वो गिरवी रखी हुई है, तो मैं थोड़ा सा सोचूंगा आप कि इसके अंदर कहाँ एंटर करना चाहिए। अब जाऊंगा मैं 1 साल के चार्ट पे और अब हम देखेंगे कि इसके अंदर लो क्या था दोस्तों। लो इसका 231 रुपये का था और हाई था 368। दोस्तों लो और हाई के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, ये अच्छी बात है, ये बहुत बेहतरीन लगा मुझे दोस्तों इस कंपनी के अंदर। दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि इसके अंदर आपको एंट्री करनी है दोस्तों, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी के अंदर आपको एंट्री करने के लिए ये अच्छा समय है, मगर बल्क में बाइंग मत कीजिए दोस्तों, चंक में बाइंग कीजिए दोस्तों। अगर ये शेयर आपको 300 रुपये के नीचे मिलता है तो मस्ट बाय, बहुत ही बेहतरीन प्राइस पे आपको मिलेगा फिर 300 रुपये के नीचे। दोस्तों 300 रुपये का ऑब्वियसली इसमें प्राइस आएगा आने वाले इस वीक के अंदर या अगले वीक के अंदर बिल्कुल आ सकता है दोस्तों। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं आएगा, दोस्तों बस छूटती है तो छूटने दीजिए, शेयर मार्केट में ऐसे मौके आते ही रहते हैं। 300 रुपये के नीचे मैं कहूँगा कि फिर आप बाई कर सकते हैं, मगर बल्क में बाइंग बिल्कुल मत कीजिए, चंक में बाइंग कीजिए। कितना भी मन में लालच आए कि बहुत अच्छे प्राइस पर मिल रहा है मुझे ले लेना चाहिए, मैं अब तो इसके अंदर कूद पड़ूंगा, नहीं ऐसा मत कीजिए दोस्तों। दोस्तों शेयर मार्केट का एक रूल होता है कि आपको टिके रहना होता है और आपका कैपिटल बचाना होता है, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप चंक में बाइंग कीजिए, बल्क में बाइंग मत कीजिए। बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है फिर भी आप बल्क में बाइंग मत कीजिए।
बहुत तगड़े तगड़े शेयर डूब जाते हैं, बहुत बेहतरीन खराब से खराब शेयर हमें जो लगता है वो बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा देता है। ऐसी बहुत सारी एक्चुअली बातें शेयर मार्केट के अंदर होती रहती हैं दोस्तों। यहाँ पे इस कंपनी का सबसे मेजर खराब बात जो है, प्रोमोटर ने आधी उसकी जो होल्डिंग है वो गिरवी रखी हुई है। तो मैं कहूँगा दोस्तों, अगर आपको बाइंग करनी है इसके अंदर, ये एक अच्छा शेयर है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, मगर आपको बाइंग करनी है तो 300 रुपये के नीचे कीजिए, बहुत ही अच्छा प्राइस पे आपको मिलेगा। मगर बल्क में बाइंग मत कीजिए, चंक में बाइंग कीजिए। और दूसरी एक बात जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपका जो भी पैसा है सेविंग का या इन्वेस्टमेंट का, वो उसका 70% जो पैसा है वो आप म्यूचुअल फंड, बैंक FD, रियल इस्टेट, गोल्ड, इसके अंदर लगाइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, गोल्ड के बॉन्ड आते हैं। गोल्ड मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिजिकली गोल्ड आप घर में आके घर में रख दो, उससे अच्छा ये है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गोल्ड लेना है आपको, मतलब गोल्ड के बॉन्ड लेने हैं दोस्तों। गोल्ड बॉन्ड मिलते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड मिलते हैं, या HDFC के गोल्ड बॉन्ड मिलते हैं, या निपॉन के गोल्ड बीज वगैरह मिलते हैं, वो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ले सकते हो, वो अच्छा होता है। और या फिर और 30% पैसा जो है वो शेयर मार्केट के अंदर लगाइए, और उसमें से भी एक ध्यान में रखिए, एक ही शेयर के अंदर या तीन चार शेयर के अंदर सारा पैसा मत लगाइए। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि तीन चार शेयर के अंदर पैसे लगा दो, मगर मत करो दोस्तों ऐसा। पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड रखो, जिससे आपका रिस्क जो है वो कम हो दोस्तों। और किसी भी एक शेयर के अंदर 4 या 5% से 5% से ज़्यादा पैसा मत लगाइए दोस्तों। कोई शेयर आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो भी आप उसके अंदर 8 से 9% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए आपके पोर्टफोलियो का। मतलब एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, 1 लाख रुपए का आपका पोर्टफोलियो है, तो आप उस शेयर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये लगाइए दोस्तों, 5,000 रुपये, उससे ज़्यादा न मत लगाइए दोस्तों। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है इस शेयर से रिलेटेड, टोरेंट फार्मा शेयर के रिलेटेड, या किसी भी और शेयर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।